प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं केस बेस्ड स्टडी एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर 1 है क्लास 10th का। आप उसमें देखेंगे तो जो सिंपल क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, बेसिकली जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल कंसेप्ट होते हैं, वो दिया हुआ है। बट सीबीएसई क्या कहता है कि भाई आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी करने हैं, और ये सारे मीन्स एनसीईआरटी के जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। मीन्स हम कर रहे हैं केस बेस्ड स्टडी एंड दिस इज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, और क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स का, दैट इज रियल नंबर, वो हम कर रहे हैं। इससे पहले हम 5 केस बेस्ड स्टडी कर चुके हैं। कितने कर चुके हैं जी? 5 केस बेस्ड स्टडी कर चुके हैं। तो इसका मतलब 5 क्वेश्चन पहले से एंड प्लस दिस वन क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी के हैं। आप इन्हें जरूर कीजिए, 2022-23 में ये जरूर आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा। तो कंसेप्ट समझना जरूरी है, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ फ्रूट वेंडर हैज 990 एप्पल्स, 999 एप्पल्स एंड 945 ऑरेंजेस, मींस 945 ऑरेंजेस। He packs them into baskets. Each basket contains only one of the two fruits, but in equal numbers. कह रहा है कि देखिए इतने सारे apples हैं और 945 क्या हैं oranges हैं, और उनको वो किसमें pack कर रहा है? He is packing those apples and oranges in the basket. अब इसमें अगर वो pack कर रहा है तो इस तरीके से pack कर रहा है कि एक basket में केवल apple रखेगा तो apple ही आएगा, और दूसरे बास्केट में यदि ऑरेंज रख रहा है तो केवल क्या आएगा? ऑरेंज आएगा। कहने का मतलब समझ गए भाई, एप्पल ऑरेंज मिक्स नहीं कर सकते, अलग अलग फ्रूट्स हैं ये, तो एक बास्केट में कैसे रख सकते हैं? मींस अगर एक बास्केट है तो उसमें सारे जो पाएंगे वो केवल ऑरेंज पाएंगे, अगर एप्पल वाला है तो केवल क्या पाएंगे आपको? एप्पल पाएंगे। तो क्या कह रहा है? ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन ऑफ द टू फ्रूट्स बट इन इक्वल नंबर्स। फाइंड द नंबर ऑफ द फ्रूट्स टू बी put in each basket in order to have minimum number of basket. कह रहा है कि हर एक basket में कम से कम कितना fruits रखें कि सब में क्या रहें? बराबर रहें, ठीक है ना? सब में fruits भी रखना है और सब में हर एक basket में क्या रहे? बराबर है। यदि मान लीजिए इसमें apple रख दिया, इसने 40 apple रख दिया, तो इसमें भी 40 apple ही रखे या 40 क्या रखे? Oranges रखे। Means he has to put इक्वल नंबर ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए जिसमें आपको इक्वल स्टैकिंग करनी हो, इसको क्या कहते हैं? स्टैकिंग करनी हो, इकट्ठा करना हो, क्या कहते हैं? इकट्ठा करना हो, तो उसमें आप हमेशा क्या निकालेंगे? यू विल फाइंड आउट द एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो आपको इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए 990 का सबसे पहले आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 990 का क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 990 इन रफ नोटबुक। तो आप सबसे पहले प्राइम नंबर से, किसी भी प्राइम नंबर से स्टार्ट कीजिए। तो सबसे अगर छोटा प्राइम नंबर देखें तो 3 है, तो 3 से ही चलिए कर लीजिए। 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, और ये फिर से 1 1 0, और ये किससे जाएगा? 11 पे जाएगा। फिर 11 11 1 जा, और ये 10 जा, 110 आ जाएगा। ये 2 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 1 पे जाएगा। तो 990 का यदि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा तो ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपका सबसे छोटा वाला, लिख दीजिए 2 इंटू 3, पहले 2 आ गया, 3 कितनी बार है? 2 बार आ गया, देन इट इज 5 एंड देन दिस इज 11। आगे बात समझ में? तो आप इसको पावर्स की टर्म्स में लिखेंगे, देन यू लाइक 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 1 एंड 11 टू द पावर 1। अब आ जाइए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 945। 945 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 945 का यहाँ पे कर लीजिए रफ नोटबुक में प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 से कीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा एंड 3 5 जा 15। 3 से कीजिए, 3 1 जा, और ये 15 है भाई, दो रकम साथ में हो रही है, तो 3 5 जा आ गया, 5 2 जा 10, 1 जा, और ये आ जाएगा 7 3 जा एंड 3 1 जा। तो इसको जब आप ओपन अप करके लिखेंगे तो 3 कितनी बार आ गया? 3 हैज कम फॉर 3 टाइम्स। 3 कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया, तो इट विल बी 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड 1 टाइम कितना आ गया? 5 आ गया, और 1 टाइम क्या आ गया? 7 आ गया। अब इसका एस सी एफ निकालिए। नाउ फाइंड आउट द एस सी एफ। एस सी एफ जब आप निकालेंगे 945 का और 990 का, तो देखिए यदि जो बच्चे वीडियो लगातार देख रहे हैं, पहली वाली वीडियो जो लगातार देख रहे हैं, उनको मालूम चल गया होगा कि
कि HCF कम निकालते हैं और LCM कम निकालते हैं और किस तरीके से निकालते हैं। तो जरा इसको भी पावर की फॉर्मेट में लिख दीजिए, इट विल बी 3 to the power 3, 5 to the power 1 एंड 7 to the power 1। अब इसका जब हम HCF निकालेंगे तो HCF निकालते समय फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कॉमन टर्म। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो दिख रहा है, यहाँ पे दो है और कहीं पे दो है क्या, नहीं है तो छोड़ दीजिए। नाउ कम एट 3 यहाँ पे है, ये देखिए ये 3 है और यहाँ पे क्या है 3। अब इन दोनों में कॉमन देखने के बाद 3 दोनों में ही मिल गया जी। अब इसकी जो पावर सबसे कम होती है, नाम तो HCF है लेकिन पावर सबसे कम वाला लेता है, तो 3 to the power 2 और 5 to the power क्या आ जाएगा 1। और जो रिमेनिंग है जो एक दूसरे में मिल ही नहीं रहे हैं तो उनको हम नहीं लिखते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा 9 into 5 क्या आ जाएगा 45। कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो फ्रूट्स हैं हर एक बास्केट में आप कितना कितना रखेंगे, 45 रखेंगे, तो सारे पैक्ड हो जाएंगे और अच्छे से एक भी हमारे पास ऑरेंज नहीं बचेगा। तो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ द ऑरेंजेस और यू कैन से एप्पल विच कैन बी कैप्ड इन अ बास्केट, जो बास्केट में हम रख सकते हैं। ये ए का जवाब है 45 ऑरेंजेस, ये क्या है 45 फ्रूट्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या आ जाएगा आपका 45। अब क्या कह रहे हैं, अब हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ द बास्केट्स। अब कितने बास्केट में कितना हम कर सकते हैं, तो इसको बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए भाई एक बास्केट में आप 45 ऑरेंजेस रख रहे हैं, तो टोटल ऑरेंजेस एंड एप्पल टोटल नंबर ऑफ द फ्रूट्स कितने आ गए, 990 प्लस 945 जब आप ऐड करेंगे देन यू विल गेट कितना आएगा 1935। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टोटल फ्रूट्स हो गए। तो आपको अगर फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ द बास्केट, मिनिमम बास्केट क्या है, मिनिमम बास्केट्स कि कितने बास्केट आएंगे, तो सिंपली टोटल फ्रूट्स को आप डिवाइड कीजिए एक बास्केट में कितना फ्रूट आ रहा है। वन बास्केट कंटेन 45 फ्रूट्स, तो 1935 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 45 से। व्हेन यू विल डिवाइड इट तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल सिंपली गेट 43। कितना आ जाएगा आपका 43, डिवाइड करके देख लीजिएगा आपको नंबर मिल जाएगा। इट मींस 43 बास्केट चाहिए और हर बास्केट में हर प्रकार का फल रखेंगे। अगर एप्पल का फल है तो केवल एप्पल ही रखेंगे एक बास्केट में, और वो कितना रहेगा, कितने एप्पल आएंगे, 45 एप्पल आएंगे। तो इस तरीके से करके 43 बास्केट चाहिए टू पुट ऑल द फ्रूट्स इन बास्केट्स। तो 43 बास्केट नंबर ऑफ बास्केट है, इसका आंसर आ जाएगा 43 और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 45। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप लगातार पांचों वीडियो देख लीजिए, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बैक टू बैक मैंने डाला हुआ है। और ये 6 आपके टोटल केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कितने हो गए, 6 आ गए, और इन 6 में से ही आएगा टोटल। अगर आप इन 6 को कर लेते हैं तो नो डाउट कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाएगा जो आप ना कर पाए। तो टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और क्वेश्चंस को करते रहिए। नमस्कार।